हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकें कर रहे हैं सर, लगातार बैठकें चल रही हैं। हरियाणा में किस तरीके की तैयारी कांग्रेस की देखने को? हमारी तैयारियां सब ठीक हैं, घर घर कांग्रेस का प्रोग्राम चल रहा है, उसके अलावा हमारे सीनियर लीडरों के दौरे हो रहे हैं। एक 2 तारीख से प्रस्तावित है जो है, जिसमें संविधान बचाओ यात्रा का भी प्रस्तावित है, और हर प्रकार की जो है एक एक्टिविज्म आपको नजर में आ रही है। कैंडिडेटों के चयन के मामले में भी जो है सभी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है कि अपनी बात रखें, दे कैन गो एंड मीट एनीबडी, और वो सभी का संज्ञान लेते हुए सभी नाम की चर्चा हो रही है। सब पर्याप्त समय होने की वजह से हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ये होली की छुट्टियां थी और अभी हमारी एक रैली है, तो उसके नज़र में रखते हुए प्रथम सप्ताह में हमारा काम हम पूर्ण कर देंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठक देखने को मिल रही है, बीजेपी 10 उम्मीदवार अपने ग्राउंड में उतार चुकी है, कांग्रेस की कब सर उम्मीदवार ग्राउंड में देखने को मिले? मैंने आपसे बताया फर्स्ट वीक तक हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, जो जानकारी है हरियाणा में जो सीनियर लीडर हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, कुमारी शैलजा चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहे हैं सर, ऐसी क्या जानकारी? अरे अभी आपको मैंने बताया कि कुमारी शैलजा ने तो कहा है कि वो सिरसा या अम्बाला से चुनाव लड़ सकती है, हाईकमांड जहाँ से कहेगी वो लड़ेगी। हुडा जी ने वो कहा कि दीपेंद्र ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो परिस्थिति में एक ही परिवार में से 2 लोग न लड़े वो बेहतर होगा, और अदरवाइज ऑल्सो ही CLP चुनाव के संचालन के लिए भी कहीं सीनियर लीडर की आवश्यकता है, तो प्रदेश अध्यक्ष और CLP तो ज़्यादातर कोई जगह पर चुनाव नहीं लड़ते, तो वो भी नहीं लड़ेंगे। बाकी हमारे किसी सीनियर लीडर ने मना नहीं किया, हो सकता है 1-2 सीनियर लीडर जो हैं बिकॉज ऑफ द एज दे आर सेइंग नो, बाकी किसी ने मना नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबर अभी तक।